हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज पे बटन होल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए, ये बटन होल बनाने के लिए इस तरह का प्रेशर फुट लिया है। तो देखिए, ये मशीन के साथ ही मिलता है, तो इसे हम पहले अटैच करेंगे। तो इस साइड से ये जो लाइन है, ये लाइन अपनी तरफ रहनी चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पर अटैच कर लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। और आपको जहाँ पे भी ब्लाउज पे या कहीं भी ड्रेस पे आपको बटन होल बनाना हो तो उसे निशान लगा लीजिए। अभी ब्लाउज पे इस तरह से सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा इस तरह सा अड़वा होता है, तो हम इस तरह से इसका बटन होल बनाएंगे। और जितने निशान है तो आपको जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप निशान बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5 निशान बनाए और मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी। तो आपका बटन के साइज़ जितना है, तो यहाँ पे देखिए साइज़ दिए ले, तो साइज़ जितना आपके बटन है तो उस पर रख के देख लीजिए कितना आपका बटन का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, एक मेरा छोटा बटन है तो मैं छोटे बटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे इस तरह से लगा दूँगी। देखिए, इतने तो तीन लाइन है, मैं तीन की लाइन यहाँ पर इस तरह लगा दूँगी। अब मैंने ये देखिए इस तरह से इसे लगा दिया। तो देखिए, ये तीन लाइन तक मैंने यहाँ पे लगा दिया, छोटा बटन है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये बटन इस तरह से लिए। तो ये साइज़ के हमें बनाना है, तो हम इस पर रख के देखेंगे इस तरह से, और इसकी साइज़ देखेंगे। तो जितनी साइज होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और उसे सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए, ये छोटा है, तो अगर आपको छोटा भी लगाना हो तो आप इस पर इस तरह से रख सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है। अभी यहाँ पे आई है दो लाइन, ये छोटे बटन को दो लाइन आई, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसे फिट कर लिया। अब हम सिलेक्टर को फिट करेंगे। तो देखिए, ये सिलेक्टर है, तो इसे हम ये जो रेड कलर के, इसे हम एरो की तरफ इसे मोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एक, बाद में यहाँ पर 3 और 4 है, और यहाँ पर ये 2 नंबर की सिलाई है, सॉरी ये 4 और 2 है और ये 3 नंबर का है। तो यहाँ पे 1 है और ये 2 और 4 और ये 3। तो सबसे पहले हम 1 पे इसे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये निशान है, यहाँ पे हम इस तरह से इसे घुमाएंगे, तो सुई की निडल ऊपर रहनी चाहिए तभी ये घूमेगा। तो ये देखिए, हमने इसे 1 नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसे सिलाई लगाएंगे। बाद में हम 2 पे करेंगे, बाद में हम 3 पे करेंगे, वापस हम 4 पे करेंगे। इसी तरह हम इसको सिलेक्टर को घुमा के इस तरह से एरो की तरफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 को इस तरह से इस पर सिलेक्ट कर दिया है। तो देखिए, हमने इस पर 1 पे सिलेक्ट कर दिया। अब इसे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ आके ये रुक जाता है, तो हम 2 पे सिलेक्ट करेंगे। तो सुई की जो ये निडल है ये ऊपर की ओर रहनी चाहिए, अगर नीचे रहेगी तो सुई टूट जाएगी। तो हम 2 पे सिलेक्ट किया इसे, और इसे 1-2 बार ही चलाएंगे। वापस हम इसे 3 पे सिलेक्ट करेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से हम कपड़े को अपने तरफ खींचेंगे। अब लास्ट में हम 4 पे सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब दूसरा हम इसी तरह धागे खींच के लेंगे और दूसरे निशान पे लगाएंगे इसे। जितना हमने लाइन पे इसे सिलेक्ट किया था उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और वापस हम 1 की सिलाई लगाएंगे। 2 पे 3 पे वापस 4 पे सुई को ऊपर करेंगे, 1-2 बार ही चलेंगे सुई को ऊपर करते हुए। अब तीसरे निशान पे जाएंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे धागा दूसरा यूज किया, मैचिंग का नहीं लिया, आप मैचिंग का भी ले सकते हैं।
अब हम लास्ट में लगा देंगे। देखिए हमारे सभी बटन होल बन के तैयार हो गए। अभी इनको हम होल बनाएंगे और ये जो धागा है उसे भी हम तोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बटन होल मशीन से बनाए। अब इसे होल बनाने के लिए मैं इस तरह का सीम रिपर लूँगी, ये देखिए इस तरह का, और इसे इस तरह से यहाँ से कट कर दूँगी। तो अंदर इसके डालते हुए इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। तो देखिए जहाँ तक निशान है इस तरह से हम ये कट लगाएंगे। अगर आप चाहो तो आपके पास इस तरह का रेजर हो या फिर एक कैंची, तो कैंची से करना हो तो आपको इस तरह से इसे सेंटर से फोल्ड करना होगा, बराबर फोल्ड करना होगा और इसे यहाँ से इस तरह से कट लगाएंगे कैंची से। तो हल्का कट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये कट लगा सकते। तो मैं सीम रिपर से ये करूँगी। तो इस तरह से हम ये कट लगा देंगे सभी को। तो देखिए इस तरह से हमने सभी को होल बना दिए। तो ये देखिए हमने आपको मशीन से कैसे बटन होल बनाते दिखाया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।